हेलो गाइस सो कैसे हैं आप लोग तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे ब्लर पार्टिकल कैसे क्रिएट करते जैसे कि आप देख सकते हो इसके जो मॉडल उसके आगे ब्लर पार्टिकल से लगा हुआ है अब ब्लर पार्टिकल हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है तो वीडियो बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली है जैसे एज ए मेरी और भी वीडियो जो होती हैं उन, उनके मुकाबले तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अगर आप इंटरेस्टेड नहीं उसमें तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो आप टाइम वेस्ट मत करना छः मिनट अपना तो बस मैं बस बताना इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो या आप, आपके पास अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लो नहीं तो इतना खास वीडियो बताने वाला नहीं हूँ मैं पहले बता देता हूँ एज मेरी क्या कहते हैं उसको छोड़ा वर्ड नहीं मिल रहा क्या कह सकते तो इसको बता इससे होता क्या है कि इसे एक ना डेफ तो फील्ड आता है कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसके आगे भी कोई एक मटेरियल पार्टिकल्स है मटेरियल तो नहीं पार्टिकल है एक थ्री फील्ड आती है फील्ड में बनता है समझ सकते हो ना तो अभी मैं पी एन जी किया हूँ देखो इस आ, कार की पी एन जी थी टूटी पी एन जी है इसको मैंने फिट किया जब यहाँ पे जब मैं आगे लगा रहा हूँ तो इसको एक ब्लर करना पड़ जाता क्योंकि आगे की चीज़ फोकस में नहीं है जो हमारा मिडल में है वो फोकस है और जो पीछे और ब्लर है ठीक है ना तो इसको मैं ब्लर में जा रहा हूँ पिक्सार्ट में और ब्लर किया मैंने यहाँ पर जितना भी मैं आपको देना दे सकते हो आराम से बट यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जितना कार था उसके अंदर अंदर वाला ब्लर हुआ है मतलब बाहर मतलब एक ना फेडेड सी लुक नहीं आ रही है यहाँ पर तो इसका इलाज कुछ नहीं है बस इलाज ये है कि इरेजर में जाओ आप ये हार्डनेस कम करके और यहाँ से इरेज कर लो हार्डनेस उसकी मतलब ओपेस्टि हार्डनेस कम कर लो तो क्योंकि हार्डनेस बहुत ज़्यादा थी हार्डनेस ना मतलब तो आप ऐसे हार्डनेस कम कर सकते हो और कुछ नहीं और यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि बहुत मतलब काम चलाऊ काम कह सकते हैं अगर आप कराना हो काम चलाऊ और कुछ नहीं अ, दूसरा भी बताता हूँ आपको तो दूसरे में क्या है आपको इसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि इस वे मैं दिखाता हूँ करना क्या है तो एडिंग फिर से मैंने पी लेकर आया ठीक है इसमें अब आप जाना है आपको एडजस्ट प्लीज़ एडजस्ट ब्लर को एडजस्ट करना बहुत ही आ, इसको ना गलतियां छुपाने के लिए हम कर सकते हैं मुझे याद नहीं आ रहा था तो इसके गलतियाँ छुपाने के लिए कर सकते हैं जैसे आपकी शेडो नहीं बनी आपकी सही तरफ शेडो नहीं बनी है या कोई और गलती छोटी मोटी रह जाती है ना नीचे ज़्यादा परस्पेक्टिव नहीं मैच करता होता कभी कभार नीचे से तो वहाँ से मैं मैच कर सकते हो तो आई थिंक आप समझ गए होंगे तो यहाँ से क्या करना है आपको यहाँ पे ब्लर मारा मैंने सिंपली इसे मैंने ऐड फोटो करने के बाद ठीक है एड फोटो मैंने कर दिया वहाँ से डन कर दिया फिर इफेक्ट में गया हूँ फिर ब्लर मारा मैंने पूरी फुल फोटो पे फिर हाँ से इन्वर्ट करने के बाद फिर से अपने जो ब्लर पार्टिकल्स के ऊपर मैं ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ एज मैनुअली जो कि बहुत बोरिंग काम है आपको ही पता है तो तीसरा मैं बताने वाला हूँ आपको किसी अनदर ऐप में मतलब इसमें नहीं है पिक्सार्ट में है क्योंकि पिक्सार्ट में पॉसिबल शायद हो शायद मुझे ना करना आ रहा हो कोई और तरीका हो तो मतलब उल्टे घी हाथ घी को टेढ़ी करनी पड़ेगी उनके लिए कुछ भी होता नहीं है एक मुहावरा तो उसके लिए एक दूसरा ऐप है उसका नाम है फोटोशॉप तो फोटोशॉप इस पर मैंने वीडियो बनाई कि क्योंकि आपको एंड्रॉड में नहीं मिलेगा आप प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा तो इसमें मैंने वीडियो बनाई है तो रिस्पॉन्स आप देख सकते हो उस पर लाइक डिसलाइक देख सकते हो कि वीडियो रियल है कि नहीं और जिस हिसाब से कमेंट आते हैं उसमें बता जाए मतलब कमेंट में बताते हैं लोग कि काम कर रहा है कि कहते नहीं तो आप अपने डिवाइस में देख देखिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन जरूर दे दूँगा तो यहाँ पर इतना ज़्यादा खास जूम तो मिलेगा नहीं आपको बट 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 फोटो की क्वालिटी बिल्कुल एक्चुअली नो लूज़ और लेयर्स भी मिलते हैं और क्या चाहिए लेयर्स पे काम कर सकते हो अकेले अकेले तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगा और आपके डिवाइस में काम करे या ना करे उसकी गारंटी नहीं ले सकता भाई सच में क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि नहीं हो रहा है बहुतों ने कहा कि बहुत अच्छा ही हुआ भाई मेरा काम कर रहा है तो यहाँ पर सिंपली मैं एक लेर ले लिया और लेयर में मैंने पी लिया अपनी एक वही वाली पी जो पहले लिया था हमने और पी को मैं सेट करता हूँ यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बड़ा कर रहा हूँ और एंड सेट जाना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो एक टाइम पर आने के बाद पी एन जी बड़े नहीं हो गए आपको डन करने के बाद में जो पोश्चन जी उसको अंदर रखना उसके बाद फिर से इसको हम जाएंगे यहाँ पे एंड बना देखो एफ एक्स के साथ में एंड एंड पे जाके इसको हम करेंगे ट्रांसफर ट्रांसफर करने का इसको बड़ा करेंगे देखो फिर एक टाइम पे आने के बाद ये भी बड़ा नहीं होगा इसके बाद ये बड़ा नहीं होने वाला है तो इसको भी मैं बड़ा करके फिर से जितना मेरे को चाहिए उसको अंदर अंदर रखता हूँ ना अपने फ़ोटो के अंदर बाकी वहाँ पर डिस्कार्ड कर वहाँ से डंड कर देता हूँ फिर से इसको मैं बड़ा करूँगा तो अब मेरे को परफेक्ट साइज आ रहा है मेरे पास अब तो अब ठीक लग रहा है मेरे को अब इतना बुरा भी नहीं है तो इसको ट्रांसफर करके सही तरह सेट कर लेता हूँ आगे की तरफ मैंने सेट कर लिया अब इसका मैंने ऐसे ब्लर पार्टिकल बनाना है तो यहाँ पर ब्लड पार्टिकल यहाँ देखो लेयर खोलूँगा आपने ये को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एफेक्स इफेक्ट में जाऊँगा यहाँ पर बहुत सारे बेसिक स्टाइलाइज फोटोज़ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको तो यहाँ पे आपको देख पास एक लेना है गोशन ब्लर बेसिक में है गोशन ब्लर पहला ही है तो उसको मैंने जैसे चूज किया अपना उसके स्लाइडर से चूज कर सकते हो तो कितनी आपकी क्वांटिटी रखनी है ब्लर की तो सली मैं वहाँ पे ब्लर देख ले रहा हूँ कितना आपको चाहिए कितना ज़्यादा मतलब पास है ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा पास ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा ब्लर तो समझ रहे हो ना तो उसको मैंने डन कर दिया यहाँ पे डन कर दिया आप देख सो तो कितना अमेजिंग काम हुआ है मतलब पिक्सार से तो ठीक ही है मतलब वहाँ पर तो अंदर अंदर कर देता था और आ, उसके अलावा और भी मेहनत करनी पड़ती थी तो बहुत ही अमेजिंग तरीका है तो आप अगर चाहते हो एक डायरेक्शन ब्लर देना है मतलब एक मोशन ब्लर देना है तो वहाँ मोशन ब्लर का भी मैं आपको ऑप्शन आता है उससे भी कर सकते हो तो और कोई चीज़ गिर रही है नीचे है, कोई पंछी है या कोई स्टोन्स वगैरह हैं एडिटिंग में यूज़ कर रहे हो या स्मोक वगैरह कुछ भी हो सकता है वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो उस हिसाब से देख सकते हो कैसा क्या रखना है आपने तो यहाँ पर मैं एंगल यहाँ पर देख लेना कैसा क्या रखना है तो ऐसा हो गया अगर आपको मतलब आपको ये ऐप चलानी आती ही नहीं है मतलब आती है मतलब आप वो हैवी एडिटिंग कर रहे हो तो अभी आपको मतलब पिक्सार्ट में या किसी अनदर ऐप में बहुत अच्छे हो इस ऐप में अच्छे नहीं हो तो इसमें आप कॉन्सेप्ट नहीं बनाना चाहते मतलब अपना तो यहाँ सबसे मैं इसको डन कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ फिर बताता हूँ क्या करना है अपना ऐसे मैं डन कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ तो उसके बाद देखो यहाँ से क्या करना है आप और यहाँ पे होता है एक प्लस फोटो प्लस के साथ में एक है यहाँ पे एरो बना हुआ है इसको शेयर करने का तो यहाँ मैं टैप करूँगा और अपनी फोटो को टैप करूँगा तो यहाँ से जेपी जी ले सकते हो या पी भी ले सकते हो यहाँ पे देख लो कितने हैं तो मैं यहाँ पर अभी तो मेरे को जे ही चाहिए तो यहाँ से अगर आपको जेपी है तो जेपी ले तो जी लेना पी एन जी है तो पी तो पी आपको जेपी लिया तो पी मिलेगा नहीं कभी भी आपको बस फोर में जाएगा तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और दूसरा तरीका मैं बताने वाला था आप मतलब एक लेयर ले लो एम लेयर ले लो और जो क्रॉप जैसा मर्जी कर लेना थोड़ा सा जैसा भी जैसा मर्जी कर लो इस पर कोई पाबंदियाँ नहीं है आ, ये उनके लिए है जो मतलब अनदर ऐप में कर रहे हैं कॉन्सर्ट और बहुत हैवी एक कॉन्सर्प्ट बना रहे हैं जो इस ऐप में यूज़ नहीं करना चाहते उस कॉन्सेप्ट के लिए तो आप इसको ले लें आप वो ब्लर पार्टिकल लेकर आएं तो उसको मैं आगे की तरफ लगाता हूँ ब्लर पार्टिकल को लेकर आया है, मैं ये रहा और आगे तरफ लगाने का बाद गोशन ब्लर ले गोशन ब्लर या कोई भी ब्लर ले सकते हो डायरेक्शन ब्लर भी ले सकते थे आप मोशन ब्लर कह सकते हैं इसको उसको लेने के बाद इस बस आगे तरफ उसको लगाने के बाद जितना आपको क्वांटिटी चाहिए ब्लर की उसको लेने के बाद डन कर दें और किसी वजह से डन करने के बाद सेव कर दें पर पीएनजी में और उसको पिक्साट या कोई भी अनदर ऐप है ऑटोडेस्क हो या बहुत सारे ऐप हैं यार जिसमें भी आ, आ, बहुत सारे पेंट वाले ऐप भी आ गए इसमें एडिटिंग बहुत अच्छी होने लगी है तो आप उनमें इसको लेके जाके वहाँ पर पे इसको पेस्ट कर सकते हो तो आ, या आप आ, अगर आप बेले हो तो चार पाँच वैसे दस बीस ब्लर पार्टिकल बना बना के रख लो काम आ जाएंगे आपके आगे और वैसे देखो यहाँ पे अब आप मैं कर रहा हूँ कैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा पी कर दूंगा तो अभी पी एन जी आपको मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ कि इसका मतलब कितना काम का तो में मैंने वही फ़ोटो खोला अपना अब देखो वही पी एन जो मैंने वहाँ पे सेव किया था आगे तरफ ला के और बड़ा करके आगे तरफ सिंपली लगा लूँगा और मैं इस एक आ, हैवी कॉन्सर्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं अगर मेरे को पी एस टच चलाना नहीं आता जो फोटोशॉप है मोबाइल वगैरह वर्जन उसको चलाना नहीं आता तो मैं इसी में करूँगा और ब्लर पार्टिकल उसमें बना लूँगा मेरा तो कहना है कि आप कह सकते हैं कि मोबाइल में जो है ना मतलब किसी भी ऐप बिल्कुल परफेक्ट नहीं है पर सभी ऐप्स को मिला के मोबाइल एक परफेक्ट मतलब मोबाइल में एक परफेक्ट एडिटिंग कर सकते हैं तो मल्टीटास्किंग किया करो मतलब ना क्लियर कैचेज जो थे ना मोबाइल के क्लियर करके ना अलग अलग ऐप्स को यूज़ किया करो तो इतना था और आपको मैं अभी बताना था इंपॉर्टेंट टॉक करने वाले थे कुछ एंड में तो आपको जितनी भी आगे फोटो वाली है मैं सबका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ भाई पर प्लीज़ यार मतलब समझ मैं अब वीडियो बहुत लेट डाला हूँ क्योंकि यार आ, सीन ऐसा है कि मेरे एग्जाम है मेरी प्लस टू प्लस टू हम हमेशा नहीं करते यार लाइफ में एक बार ही प्लस टू करते हैं तो सारी समझ सकते हो तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना अभी मतलब कुछ वीडियोज़ नहीं आ पाएंगी मैं बहुत लेट आ रही है। वीडियो अभी भी आ रही हैं बहुत लेट आ रही हैं तो मतलब इसी यही कारण है कि मेरे क्योंकि मैं सिलेबस नहीं कम्प्लीट लॉकडाउन पड़ गया था तो मेरा सलेबस अभी इस समय मेरा बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है तो अभी उसके चक्कर में पढ़ें कि कौन सा मतलब जो अपने एक सिलेबस उसको कम्प्लीट में लगे हुए कम्प्लीट कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा समझा करो यार भाई तुम्हारा सब लाएगा बहुत सारी ट्रिप में जो ख़ुद को पता है मैं बहुत मतलब गलत कर रहा हूँ ट्रिक्स नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ट्रिक पड़ी हैं रिंग डाइट के कम से कम मैं आ, मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ जिसमें दस तरीके बताऊँ जिससे आप रिंग मैट क्रिएट कर सकते हो आ, और मेरे पास एक और मेरे पास एक ट्रिक आई है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो बिल्कुल कैमरे जैसे कैनन की फ़ोटोज़ होती है ना दूर से एकदम खींच सकते हैं वैसे ही मेरे पास एक आइडियाज़ आए हुए हैं बहुत सारे हैं तो मैं बहुत अमेजिंग चीज़ें लाने में जैसे मेरे पेपर ख़त्म हो रहे हैं ना वैसे ही बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आने वाली हैं तो प्लीज़ साथ बने रहना और साथ में छोड़ना क्योंकि यहाँ तक इतना आप, आपका इतना साथ मिला वो तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है तो आ, और एक चीज़ बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई आपका मोन हुआ कि नहीं हुआ जो मेरे चैनल पे पहले प्रॉब्लम हुई थी आपको पिछले जो वीडियो देखे होंगे आपको पता होगा तो भाई अभी तक तो नहीं हुई है तो देखते हैं क्या करता है भगवान अगर होता होता नहीं तो क्या कर सकते हैं छोड़ दिए तो आप समझ सकते हो मैं बहुत सही मतलब उस लाइन पे नहीं आता मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास ट्रिक्स बहुत हैं बहुत सारे मैं बहुत कुछ सोच के रखा हुआ हूँ अगर आपको इंस्टाग्राम पर आप जो वहाँ पर मैं रील्स क्योंकि मैं रील्स बना थोड़ा आसान होता है वहाँ पर मैं ट्रिक्स बताता रहता हूँ तो आप वहाँ पर आकर कर साथ ऐड हो सकते हो तो वहाँ से आप ट्रिक्स वगैरह देख सकते हो थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ मैं और बातचीत करना कर सकता हूँ आपकी मर्जी है तो यही था आज की वीडियो में आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको नहीं आता था या ये चीज़ आप शायद पक्का तो नहीं कह सकता मैं पर पिक्से प्रो ऐप है उसमें भी कर सकते हो क्योंकि पिक्से प्रो में शायद हो जाता है साइज से और आप पी एस टच नहीं है आपके पास तो उसको यूज़ करके देख लेना शायद एक बार क्योंकि मैंने अभी तक तो ट्राई नहीं किया पर मेरी सोच में हो जाता है तो मैं एक बार अभी देख लूँगा तो बस यही था आज के लिए तो आज के लिए गुड बाय और आपके भी एग्जाम होंगे जितना कि वो खुद भाई पढ़ लो भाई क्योंकि एडिटिंग बहुत लोग अभी जो मेरे दोस्त हैं इंस्टाग्राम पर वो भी एडिटिंग में लगे हुए हैं तो यार अभी कहता हूँ कि प्लस टू बार बार नहीं होता प्लस टू या कोई भी आप क्लास में वो बार बार नहीं होगा और उसका एक रिज़ल्ट चाहिए होता अच्छा तो तो है अच्छा सा तो प्लीज़ आप पढ़ाई पर ध्यान दो अभी एडिटिंग ठीक है बट इतना भी ना करो अभी तो बाय बाय गुड बाय तो जो लोग अभी प्लस टू में लगे रहो पापाई लव यू